CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम जन्माष्टमी। इसका संकलन किया है अजीत गुप्ता ने। दोस्तों जय हिंद। तो लो दोस्तों, सुनो ये विशेष कार्यक्रम जन्माष्टमी। दोस्तों, अभी तुम ये गीत सुन रहे थे ना? क्या तुम जानते हो ये गीत किसके बारे में था? अरे ये गीत था कृष्ण जी के बारे में। हाँ हाँ, वही कृष्ण जो माखन खाते थे, गाय चराते थे और हाँ बांसुरी भी बजाते थे। दोस्तों, आज से बहुत वर्ष पहले बरसात के ही दिनों में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इसीलिए हर साल बरसात के मौसम में श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाता है। ये दिन एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है और इसे कहते हैं जन्माष्टमी का त्योहार। दोस्तों, इस दिन लोग अपने घरों में सुंदर सुंदर झांकियां सजाते हैं। कृष्ण जी के जन्मस्थान मथुरा में तो जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। मंदिरों में खूब सजावट की जाती है और रात भर कीर्तन गाते हैं। दोस्तों, कल जन्माष्टमी का त्योहार है, श्री कृष्ण के जन्मदिन का त्योहार। आज हम तुम्हें श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ बातें बताएंगे।
जब कृष्ण जी बहुत ही छोटे थे, घुटनों के बल चलते थे, तभी की एक बात है। श्री कृष्ण ने आसमान में चांद देखा। आसमान में चमकता हुआ सुंदर चंदा तो उन्हें भा गया। वे मचल उठे कि चंद्र खिलौना ही लेंगे। यशोदा मैया ने बहुत समझाया, नंद बाबा ने भी बहुत बहलाया, लेकिन यशोदा के प्यारे और नंद के दुलारे कृष्ण माने ही नहीं। चंदा तो उन्हें इतना सुंदर लग रहा था कि उसे लेने की जिद पकड़ ली। उनको बहलाना ही मुश्किल हो गया। यशोदा मैया श्री कृष्ण की इस जिद से परेशान हो गई। तभी अचानक यशोदा मैया को एक उपाय सूझा। जानते हो उन्होंने क्या किया? एक बड़े से थाल में पानी भरकर आंगन में रख दिया। फिर मालूम है उस थाल में क्या दिखाई पड़ा? अरे, चंद्रमा की परछाई। बच्चों, तुमने भी नदी तालाब में चांद की परछाई देखी होगी। देखी है ना? तो बस कृष्ण जी ने जैसे ही थाली में झांका तो क्या देखा? अरे, चांद तो थाली में ही आ गया। वो अपनी जिद भूल गए। घुटनों के बल चलकर आंगन में घूमने लगे, दौड़ने लगे और खेलने लगे। कृष्ण जी की ये लीला देखकर मां यशोदा और नंद बाबा खुश हो गए। चंद खिलौना लई हूं मैया मैं तो, चंद खिलौना लई हूं। जय हो लोट धरन पर अब ही, जय हो लोट धरन पर अब ही, तेरी गोद न आई हो, चंद खिलौना लई हो मैया मैं तो, चंद खिलौना लई हो। कजरी को पै पानिन करी हो, कजरी को पै पानिन करी हो, बैनी सिर न गुथई हो, चंद खिलौना लई हो मैया मैं तो, चंद खिलौना लई हो। सूरदास प्रभु की है लीला, सूरदास प्रभु की है लीला, देखत मन न अघई हो, चंद खिलौना लई हो मैया मैं तो, चंद खिलौना लई हो मैया मैं तो, चंद खिलौना लई हो। दोस्तों, ये तो थी श्री कृष्ण के बचपन की बात। जब वे कुछ बड़े हुए तो वे गाय चराया करते थे। दूध और मक्खन तो कृष्ण जी को बहुत ही अच्छा लगता था। लो, उसी समय की एक और बात तुम्हें बताएं। उनकी मां जब भी दही बिलोती, कृष्ण जी माखन खाने पहुंच जाते। उनकी मां उन्हें थोड़ा सा मक्खन दे देती, लेकिन श्री कृष्ण का जरा से मक्खन से जी कहां भरता। वे तो इस कोशिश में रहते कि मां की नजर बचाकर खूब सारा मक्खन खाया जाए। एक दिन की बात है, कृष्ण जी ने देखा कि उनकी मां ने एक हंडिया में मक्खन रखकर ऊपर लटका दिया है।
जैसे ही उनकी मां बाहर गईं, कृष्ण जी हंडिया उतारने की तरकीब सोचने लगे। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझा। मालूम है क्या? अरे, उन्होंने अपने सारे साथियों को इकट्ठा किया। अरे ओ बलराम भैया, अरे दाऊ भैया, जरा इधर तो आना। क्या बात है कन्हैया? देखो, अभी अभी माँ ने मक्खन बनाया है और उसे ऊपर लटका दिया है। आओ चले हम मक्खन खाएं। लेकिन मक्खन की हंडिया तो बहुत ऊपर है, नीचे कैसे उतरेगी? अरे मैं बताता हूँ एक तरकीब। तुम नीचे बैठ जाओ घोड़ा बनकर, और तुम्हारे ऊपर बलराम भैया, उसके ऊपर मैं चढ़ जाऊंगा। हाँ हाँ, मजा आएगा मजा आएगा। लो, मैं बन गया घोड़ा और मैं चढ़ गया उसके ऊपर। बस अब मैं ऊपर चढ़ता हूँ और मक्खन की हांडिया निकालता हूँ। अरे मैं तो पहुँच गया ऊपर। आहा, मक्खन तो बड़ा मजेदार है। अरे मुझे भी दो ना। मुझे भी दो। लो तुम भी खाओ। अरे अरे मैं गिरा, अरे सारा मक्खन बिखर गया, हंडिया भी फूट गई, अब तो मां मारेगी। दोस्तों, इसके बाद मालूम है क्या हुआ? कृष्ण जी की मां जब आई तो देखा हंडिया फूटी पड़ी है, सारा मक्खन बिखरा पड़ा है। फिर तो मां ने कृष्ण जी को बुलाकर कान पकड़े और डांट लगाई। मालूम है कृष्ण जी ने क्या जवाब दिया? हा? वो बोले, मां मैंने तो मक्खन नहीं खाया, मैं तो इतना छोटा हूँ, मेरे हाथ इतनी ऊपर कैसे पहुँच सकते हैं? मैं नहीं मक्खन खायो, मैं नहीं मक्खन खायो, भोर भए गयन के पाछे मधुबन मोही पठा। भट भट क्यों सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो, परे हैं बर बस मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पतिया पजी है, जान पर आयो जायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और अब दोस्तों कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, और अब सबका हो जय हिंद। प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।